5G आने के बाद खरीदना होगा नया फोन और सिम। पूरे देश में बहुत ही जल्द 5G सर्विसेज आम लोगों को मिलने लगेगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अक्टूबर तक देश के प्रमुख शहरों में 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिल सकती है। बता दें कि जब देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि इसकी शुरुआत होगी, अब इंतजार खत्म हो गया है। जियो के साथ ही कई नेटवर्क कंपनियों ने 5G सुविधा देने की बात कही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि भारत में बहुत ही जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। इधर एयरटेल ने भी बताया है कि उनकी सर्विस अक्टूबर महीने में लॉन्च हो सकती है। हालांकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि यूजर्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में 5G लॉन्च करेगी। ऐसे में अगर आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि जब यह 5G की शुरुआत होगी तो हमारा फोन सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर यह 5G है क्या। बता दें कि यह टेली कम्युनिकेशन की नई जनरेशन है जिसे हम 5G के नाम से जानते हैं। इस नई पीढ़ी में आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें जो इंटरनेट की रफ्तार है उसमें बढ़ोतरी होने वाला है, तो वहीं कॉल की कनेक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किस किस फोन में चलेगा यह 5G नेटवर्क। बता दें कि देश में अब लगभग सभी ब्रांड ने 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। अगर आपको 5G का मजा लेना है तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में बदलाव करना होगा, क्योंकि देश में ज्यादातर लोगों के पास वर्तमान में 4G फोन है। अगर आप 5G की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको अपना फोन बदलना होगा और 5G फोन खरीदना होगा। आपके पास अगर पहले से फोन है और वह 5G है या नहीं है, इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाना होगा, वहां पर आपको 3G, 4G और 5G लिखा मिलेगा। तो ऐसे में आपको अपने फोन में 5G को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको फोन 5G है, इसका मतलब हुआ कि आपका फोन 5G है। अगर उसमें 5G नहीं रहा तो यह फोन 4G है। फोन के बाद अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि क्या सिम कार्ड भी नया खरीदना होगा। तो जनाब, आपको सिम कार्ड नया नहीं खरीदना होगा, उसे बस बदलना है। बता दें कि आपके पास जो नंबर है वह चालू रहेगा, बस आपका सिम कार्ड 4G से 5G में बदल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनियां इस तरह की सुविधा मुहैया करवा सकती है, अन्यथा आपको सिम कार्ड का पैसा देना होगा और आपको सिम कार्ड चालू हो जाएगा। फिर से आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि इन सब से क्या बदल जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि बदलाव एक दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। एक दिन के अंदर होने वाले बदलाव में आपके फोन की कॉलिंग जबरदस्त हो जाएगी, साथ ही उस फोन की कनेक्टिविटी भी शानदार हो जाएगी। आप जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो 4G में जहां इसकी रफ्तार 100 Mbps मिलती है, वहीं 5G में आपको 1 GB स्पीड मिलने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी तेज रफ्तार से जब इंटरनेट चलेगा तो पैसा कितना लगेगा। तो पैसे को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात मीडिया में बड़े ही जोर के साथ कहा जा रहा है कि 4G से ज़्यादा पैसा आपको 5G में देना होगा। इसलिए अगर आप 5G का आनंद उठाना चाहते हैं तो पैसे को लेकर भी तैयार रहे, लेकिन सुविधा भी आपको मिलेगी फास्ट वाली। अब 5G के बारे में इतना बता दिया गया है तो अब यह कहा जा रहा है कि क्या 4G खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश में पहले जब 2G था तो 3G आया, लेकिन 2G उस समय भी काम कर रहा था। फिर 3G के साथ 4G भी आया, लेकिन 3G और 4G दोनों साथ में काम कर रहे थे। इसी तरह से यह कहा जा रहा है कि जब देश में 5G की शुरुआत होगी तो 5G के साथ ही 4G भी साथ में ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।